द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के महीने में होने वाला है उसके टोटल 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो 150 नंबरों में से कम आपको 120 नंबर लाना ही पड़ेगा। वो 120 नंबर लाने के लिए रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा जिससे आपको सारे प्रश्न रट जाएं। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि रीजनिंग के 50 प्रश्नों में कम से कम आपके 35 नंबर तो आ ही जाइए। कम से कम की बात कर रहे हैं भैया, इससे कम तो आना ही नहीं, इससे ऊपर ही आपको लाना है। और हिंदी में क्या करना भैया, 50 में से कम 45 नंबर लाना है क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है। और जीएस में आपको कम से कम 40 नंबर लाना है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 120 नंबरों का टारगेट बना के चलिए, और ये मिनिमम है। इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ 122, 23, 24, 25, 26 तक आपको पहुंचना है, ठीक है, तभी आप ग्राम विकास अधिकारी बन पाएंगे। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न और फटाफट सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमें जोड़ा मिलाना है। एक तरफ आपको हड़प्पा कालीन जो शहर हैं उनके नाम दिए गए हैं, और ये शहर कहाँ पर हैं, किस राज्य में है, इसके नाम दिए गए हैं, जोड़ा आपको मिलाना है। ध्यान से सारे विकल्पों को देख लीजिए और कौन सा हमारा ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा इसको बताने की कोशिश करिए। जो भी आपको विकल्प सही लगेगा प्रत्येक प्रश्न में आप वो सारे विकल्प कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि भैया आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांडा, मांडा कहाँ पर है भैया? भैया यहाँ पर जो मांडा आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा सबको पता होगा ये आपके जो सूखा इलाका है यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? आपके हरियाणा में है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आपका ये जो तीसरा नंबर है ये तीसरा नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। चलिए भाई अब थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं प्रश्न को और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बताना है नेटवर्क पर जो कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं उस पर प्रत्येक कंप्यूटर को कैसे पहचाना जाता है, किस कोड के द्वारा पहचाना जाता है। तो सबको पता है प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, उसी आईपी एड्रेस से आपको क्या है पता कर सकते हैं कि आप इस कंप्यूटर का कौन सा आईपी एड्रेस है और वो कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है, तो रेपो जो रेट होता है उसे कम करने पर क्या होता है ये आपको बताना है तीसरे नंबर में। तो जब कम करते हैं तो बाजार में अधिक तरलता आ जाती है, यानी कि विकल्प ए यहां पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें क्या है देश के नाम है और उनकी जो है मुद्रा है उसका नाम लिखा गया है। तो कौन सा जोड़ा सही जोड़े की पहचान करिए, यानी जो जोड़ा सही होगा उसको आपको बताना है। तो वियना की मुद्रा यहाँ पर यूरो है, ये तो सही है, और बाकी सभी जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं। बी वाला विकल्प आपको बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, और ये मनाया जाता है आपके मई के महीने में, 18 मई को मनाया जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहासकार, वो कौन से आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है ये, और इसके लिए आपको सावरकर का नाम लेना पड़ेगा, यानी कि बी डी सावरकर यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इंडोनेशिया का बहुत सारे द्वीप हैं, इसमें से हृदय स्थल कौन सा द्वीप कहलाता है? तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है जावा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे आपको फार्मूला बताना है। गैसों का दो विशिष्ट ताप के बीच में क्या फार्मूला होता है ये आपको बताना है। ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पर होता है Cp - Cv = R/J, यानी कि आपका जो पहला वाला विकल्प है यही आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहले महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की जो पहली महिला हैं अध्यक्ष हैं वो डेबी हैविट है, और ये आपका पहले वाले विकल्प में दिया गया है, ठीक भाई। चल आगे बढ़ते हैं।
फटाफट सारे प्रश्नों को हम लोग देखते रहते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार कौन संगठन देता है? और ये देता है भैया यूनेस्को। आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1865 में सबसे पहली बार पारिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपके पर्यावरण विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा 11वें प्रश्न में विकल्प डी रेटर, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 तक के दशक के दौरान जो है हमारी जो जनसंख्या वृद्धि थी उसका क्या प्रतिशत था? तो जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत थी ये आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो 17.7% थी। ठीक है, आगे आपको 13 नंबर के प्रश्न में चार कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में चार चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है। और गलत यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तीसरा वाला भाग होगा, सी नंबर। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% जो भाग होता है वो मैदानी भाग है, ये हमारा सी नंबर यहाँ पर गलत है। बाकी के जो तीनों कथन हैं वो आपके सही हैं। आगे दो द्वीप हैं जिनका नाम है जंजीबार और पेंगबा। ये दो द्वीप हैं, आपको बताना है ये किस देश के समुद्री तट पर स्थित हैं। तो ये 14 नंबर में जो आपका प्रश्न होगा कौन सा होगा भैया सही होगा मोंजाबिया घाना। एक मिनट का समय दीजिए। 14 नंबर में यहाँ आपका बी नंबर सही होगा, तंजानिया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, तंजानिया के तट पर, यानी तंजानिया देश के अंतर्गत ही जंजीवार और पेगमा ये दो द्वीप आते हैं। ये दोनों बहुत ही फेमस द्वीप हैं, इनको नाम आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल दो सदनीय है तो निम्न में से किस क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है उसी प्रकार राज्यपाल विधान परिषद में भी सदस्यों को मनोनीत करता है और वो सदस्य किस क्षेत्र के होने चाहिए ये आपको बताना है। और आपको ऐसे प्रश्न में आपको बताया गया है कि जब भी आपको विकल्प उपयुक्त सभी हों तो उस पर आप टिक कर देना, आपको लगभग 90% प्रश्नों में यही सही होता है। तो यहाँ पर आपके तीनों यानी कि ए बी सी तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम कैबिनेट के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 16 नंबर में सबको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट के अध्यक्ष का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे भैया? वो जवाहरलाल नेहरू थे। आपके बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि जो फंक्शन की होता है, जो आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से तो उसमें ऊपर फंक्शन की होती है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की जो टोटल संख्या होती है वो 12 होती है। ठीक है, F1 F2 करके कुल मिला के F12 तक होता है। आगे 18 नंबर पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयु के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान किया है? तो 18 नंबर में क्या सही होगा? 18 नंबर में आपका जो विकल्प सी है वो 75 वर्ष आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न पर। कौसाम्बी स्थित प्रभा सगरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो कौसाम्बी स्थित प्रभा सगरी स्थल का संबंध किस धर्म से है ये बताना, सोच समझ के इसका थोड़ा सा आंसर बताने की कोशिश करिए। और यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो जैन धर्म आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राइडर कप किस से जुड़ा हुआ है, यानी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से है। आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो इनमें से कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा जो आपको राष्ट्रीय आय निर्मित करके बताएगा? तो 21 नंबर में जो राष्ट्रीय आय निर्मित होती है, राष्ट्रीय आय बनती है वो किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा बनती है, यानी कि यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बनारस में जो वर्तमान समय का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो सबको पता है रानी अहिल्याबाई ने कराया था। आपका ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? तो शबनम जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं?
आपका 23 नंबर में आपका सी वाला विकल्प अमरोहा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है? तो एक नया सा प्रश्न आ चुका है, ये आपका पहला वाला विकल्प जो है 44A+XO, ये आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर में है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें जो पढ़ाई का स्तर है उसका क्या फार्मूला है, ये आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला है 5+3+3+4, यानी कि आपका बी यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरालंपिक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे जिन्होंने पदक जीता है? तो 26 नंबर में उनका नाम है सुहास एलवाई, यानी कि आपका जो पहला वाला विकल्प है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की जो तटीय सड़क परियोजना है के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो मुंबई तटीय सड़क परियोजना के अंतर्गत एक जलमग्न सुरंग बनाई जा रही, इसका काम कब तक पूरा होगा? तो इसका काम जो है पूरा होने का जो टारगेट रखा गया है वो 2023 रखा गया है, आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये दो विकल्प हैं, प्रत्येक घर में खुले में शौच मुक्त, प्रत्येक घर में ये क्या लिखा गया है, ये थोड़ा प्रश्न अजीब सा है। ये देखिए जो आपका पहला कथन दिया गया है यहाँ पर, प्रत्येक घर में ये अधूरा है, ठीक है ना, खुले में शौच मुक्त ये तो गोवा में होता ही है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये तो दो वाला तो आपका सही रहेगा, लेकिन ए भी यहाँ पर सही दिया गया है, तो कुल मिला के ए और दो दोनों सही, लेकिन ये अधूरा वाक्य है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनसे कौन संबंधित है? तो उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, आपका जो विकल्प सी है ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सही सुमिलित है, यानी किसका जोड़ा बिल्कुल सही है? एक तरफ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ उनके वाद्य यंत्र का नाम लिखे गए हैं, तो जो सही है उसका नाम है बाल, ये जो डी वाला विकल्प है बाल कृष्णमूर्ति वायलिन से संबंधित हैं, बाकी आपके ए बी सी ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचाडम नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी व्यास गद्दी और महर्षि दधीची का तप स्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो यहाँ से आप जो नैमिषारण्य लिखा है ये इसके बारे में तो हम जानते हैं, बाकी सारे नाम तो हमें पता नहीं है, तो नैमिषारण्य से ही आप इसको पहचान सकते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपके सीतापुर में है, ठीक है, तो विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। भारतीय प्रबंध संस्थान जिसको हम लोग IIM के नाम से भी जानते हैं कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है भैया, उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ में है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ये आपके लखनऊ में है, विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थ स्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, तो आराम से ABCD चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए और जो गलत होगा उसे बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर डी नंबर में देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है, तो ये ठीक है, यहाँ पर वन तो हैं, जंगल तो हैं चित्रकूट में, लेकिन भैया ये हिमालय से घिरा हुआ नहीं है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ये इलाहाबाद के थोड़ा सा आगे ही पड़ता है, ठीक है, तो डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है, ये जितने दिवस हैं भैया इसको रट डाल लीजिएगा, आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर इन दिवस से आएगा। तो 34 नंबर में विश्व कैंसर दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका जो जोड़ा है ये जोड़ा आपको गलत है, ठीक है, और बाकी सभी आपके यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, इप्सा IBSA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुई थी? तो करंट अफेयर्स का बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो 15 अगस्त 2021 होगा, पहला विकल्प यहाँ पर हमारा सही है। आपको बताना है नरेंद्र मोदी नाम से जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर है,
तो सबको पता भैया ये गुजरात से ही नरेंद्र मोदी आते हैं, तो गुजरात में ही है आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो गुजरात में है, गुजरात के किस शहर में है, अगर ये आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के किस शहर में है। ठीक भैया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी लोग अगर जानकारी है तो। भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें आरक्षण कहाँ पर दिया जा रहा है, वो भी 1%। तो जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कर्नाटक में दिया जा रहा है, आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो एक ब्लॉक एक उत्पाद की घोषणा जो है वो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला फायर पार्क 2021 में कहाँ स्थापित किया गया है? तो फायर पार्क कहाँ पर बना है भैया? फायर पार्क बना जाए आपके उड़ीसा में, आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। 40 नंबर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किस देश के है? तो इनका संबंध जो है ब्रिटेन से है, आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो आकांक्षा जो पोर्टल से संबंधित राज्य है उसका नाम है कर्नाटक, आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ब्लॉकचेन जो तकनीकी है उसको अडॉप्ट किया है महाराष्ट्र में, आपका बी वाला विकल्प यहाँ सी विकल्प आपका सही है। उर्वशी एक रचना है, वो किस कवि की रचना है ये आपको बताना है 43 नंबर में। तो उर्वशी का जो संबंध है वो रामधारी सिंह दिनकर से है, ठीक है, और ये आपके सुपर टेट में पूछा गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी का ये प्रश्न है लेकिन यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं। चमोली त्रासदी 2021 कब घटित हुई थी? तो चमोली में जो त्रासदी आई थी 2021 में वो किस दिन आई थी ये आपको बताना है। तो 44 नंबर में आपका जो विकल्प होगा वो फरवरी होगा, 7 फरवरी 2021, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ना है तो कोरोना से संबंधित बहुत सारे टीके बनाए गए थे, प्रत्येक देश ने बनाए थे, उसका कुछ ना कुछ नाम रखा था, तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो फाइजर बायोटेक ये किसने बनाया था? ये फ्रांस ने बनाया था, तो ये आपका जो जोड़ा है ये गलत है, और बाकी जो ऊपर के तीनों जोड़े हैं ये आपके बिल्कुल सही, यानी कि डी नंबर हमारा यहाँ पर गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर सही है। 46 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका निधन हो चुका है? तो यहाँ पर फिर देखिए क्या आया, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी को आप टिक कर दीजिए, आपका इन सभी व्यक्तियों का निधन हो चुका है, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 47 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल का है? तो फुटबॉल खेल से कौन सा शब्द संबंधित है? यहाँ पर फिर आपका एक आया, क्या आया भैया? उक्त सभी, तो यही आपका सही होगा, ठीक है, यानी कि ए बी सी ये तीनों आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। मौर्या द्रागी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके इटली देश की प्रधानमंत्री हैं, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2021 को किस जनपद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखे जाने की घोषणा किया है? तो नर्मदापुरम किसका नाम रखा जा रहा है? तो नर्मदापुरम जो नाम बदला जा रहा है वो होशंगाबाद का बदला जा रहा है, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। विकल्प सी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। ऑपरेशन नंबर प्लेट किससे संबंधित है? तो भैया जो ऑपरेशन नंबर प्लेट है वो रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़े वाहनों से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने अपने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई वीडियो में कमी रह गई हो और कुछ आप सुधार चाहते हो तो उन सारी चीज़ों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।